ऑल द स्टूडेंट्स वेलकम टू माय क्लास। पिछले वीडियो में मैंने ट्रायंगल के विषय में आपको साइड से, एंगल से और शीर्ष के विषय में भी बताया था, परिमाप निकालने का फार्मूला दिखाया था, एरिया निकालने के लिए फार्मूला दिखाया गया था। आज पुनः आपको एरिया से संबंधित क्वेश्चन दिए हुए हैं जो उच्च परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। सबसे पहले आपको ये ट्रायंगल का जो फिगर है इसका सभी साइड इक्वल दिया हुआ है, इसको इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए तीनों फार्मूले दिखाए जाएंगे। चाहे किसी भी प्रकार का, किसी भी मान का अगर इस तरीके का ट्रायंगल दिया हुआ हो जिसका प्रत्येक भुजा समान हो, उसको तीनों फार्मूले से एरिया निकाल सकते हैं। जैसा कि इसमें दिया हुआ है, साइड जो दिया है ए और ए दिया हुआ है, तीनों साइड इक्वल है, इससे आपको पता चल गया कि एक समबाहु त्रिभुज का आपके सामने आकृति दी हुई है। इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल फार्मूला आपको बताया गया है, अंडर क्यूब अंडर बाय थ्री इंटू भुजा का स्क्वायर, अंडर रूट थ्री बाय फोर इंटू ए का स्क्वायर भी लिखा जाता है। ये आपके सामने दिया हुआ है। अब इस चीज को कैसे निकाला गया है ये आपको देखना है। इसमें दिया हुआ है, यहां से मान लीजिए एक सीधा लंब पॉइंट डी रख दिया गया रेखा खींच करके। अब यहां पे ट्रायंगल में दिखाया गया है तो आपकी भुजा में ए बी जो दिया है ये दिया हुआ है, बी सी दिया है ये दिया हुआ है, एडी का वैल्यू मालूम नहीं, इसको एच रख लीजिए। यहाँ पे एच का वैल्यू आपको ज्ञात करना है। जैसे ही यहाँ पे एक लंब खींचा गया है 90 डिग्री का एंगल बन गया है। अब समकोण त्रिभुज के आधार पे आप इसकी ऊंचाई निकाल लेंगे। ध्यान दीजिए, एच इक्वल हो जाएगा अंडर रूट ए बी का स्क्वायर माइनस हो जाएगा बी डी का स्क्वायर। ए बी जो दिया ए का स्क्वायर हो गया माइनस, बी डी जो दिया है बी सी का मध्य बिंदु है, यानी बी डी जो बी डी जो बनेगा ए बाई टू हो जाएगा। तो ए बाई टू का स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट का चिन्ह लग जाएगा। इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, ए स्क्वायर माइनस हो जाएगा ए स्क्वायर बाई फोर होगा, और यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर देंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, फोर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई फोर होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहां पे अंडर रूट थ्री ए स्क्वायर बाई फोर हो जाएगा, क्योंकि फोर ए में से ए स्क्वायर माइनस हो गया। यहां हम देखते हैं स्क्वायर में दिया, फोर भी स्क्वायर में है, यह इसका रूट टूट जाएगा, तो यहां पे बनेगा अंडर रूट
थ्री बाई टू और ए हो जाएगा आपका एच, यानी एडी आपका मालूम हो गया, एडी जो बराबर एच है। अब हम आसानी से इसका क्षेत्रफल निकालेंगे और फिर आपका आंसर इतना ही आएगा। अब यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट यानी आधार गुड़े ऊंचाई रख देंगे। इस तरीके से जैसे ही हम फार्मूले के अकॉर्डिंग रखेंगे तो बी सी जो आधार है यहाँ 1/2, बी सी जो दिया हुआ है यहाँ पे बी सी लिख देंगे, इंटू ऊंचाई जो है ए डी है। यह रखने से मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए ए बी बी सी सी डी जो भी दिया रहता है उसको लिख देना चाहिए। यहाँ पे 1/2 बी सी जो दिया है पूरा ए है, इंटू ए डी का वैल्यू जो आया हुआ है अंडर रूट 3/2 ए आया हुआ है। और जैसे ही इसका कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट 3 और 2 से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4, ए का स्क्वायर हो जाएगा इतना। यदि सेमी में दिया वर्ग सेमी लिखेंगे, मीटर में दिया है तो वर्ग मीटर लिखेंगे, यदि कुछ नहीं दिया है तो वर्ग इकाई लिख देते हैं। ये जो सामान्य तरीके से आपको दिखा दिया गया इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो फार्मूला होता है उसका एरिया का फार्मूला यही होता है √3/4 ए स्क्वायर। उसी ट्रायंगल को हमने आधार गुणे ऊंचाई पर भी निकाला तो सेम वही चीज आया। अब तीसरा फार्मूला जो हीरोन का है उसके माध्यम से भी निकाला जाएगा तो सेम आएगा। उसमें क्या करना है आपको, यस का वैल्यू ए प्लस ए प्लस ए बाई टू कर देना है तो 3/2 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन में फार्मूले में दिया है यस ब्रैकेट में यस माइनस ए, इस तरीके से रख देंगे, लास्ट में आंसर आपका यही आएगा। अब हम ले चल रहे हैं आपको जो क्वेश्चन उच्च परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जो आपके सामने हमारे बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, इन्हें केवल इनके कंडीशन को आपको समझना है और उसके अकॉर्डिंग आपको हल करना है। ट्रायंगल एबीसी की भुजाएं दिया 4 सेमी 3 सेमी। सबसे पहले हम इसकी भुजाएं जो दी रहती है उसको हम लिख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ 4 सेमी दिया हुआ है, 3 सेमी दिया हुआ है और 5 सेमी दिया हुआ है। इसमें देखेंगे स्क्वायर करके कहीं ये तो राइट ट्रायंगल नहीं है, तो यहाँ देखेंगे 4 चौक 16 3 3 9 दोनों का योग हो जाएगा 25 5 25 25, यहाँ से कन्फर्म हो जाता है कि यह एक समकोण त्रिभुज है। तो सिंगल फार्मूले से छोटे वाले से आप सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इस तरीके से निकाला जा सकता है क्षेत्रफल, जो पूछता है इस भुजा को आपको हटा देना सबसे बड़ी भुजा का, यहाँ पे लिख देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 इंटू आधार गुड़े ऊंचाई, ये दे दिया जाएगा 1/2 होगा, आधार में दिया है 4 हो जाएगा, ऊंचाई 3 हो जाएगा, यहाँ से कट जाएगा 2 बार में द्वितीय
छः और वर्ग सेमी आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हम पहचान लेते हैं कि इसका वर्ग और अलग कर दिया जाएगा इसका वर्ग, दोनों का योगफल अगर बराबर हो जाता है तो समकोण त्रिभुज है। और आसानी से आप देखते देखते ही आप समझ जाएंगे, 5 बजे 25 इन दोनों का वर्ग करेंगे 9 और 16 25 हो जाता है, इसका समकोण त्रिभुज है। बड़ी भुजा हटा देंगे, आधार गुणे ऊंचाई, 4 तिहाई 12 का आधा कर देंगे 6, वर्गसेमी विकल्प में आसानी से ट्रिक लगा सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने जो दिया हुआ है वह देखिए क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एबीसी तीन मकान है। तीन मकान जो दिए हुए हैं एक पंक्ति में नहीं है, यानी कहीं मकान यहाँ ए है, दूसरा मकान यहाँ कहीं बी है और तीसरा मकान यहाँ कहीं सी है। ये तीन मकान दिए हुए हैं, इस तरीके से दिया हुआ है। तीनों मकानों को ऐसे आप जैसे ही जोड़ेंगे तो एक ट्रायंगल बन जाए। अब कह रहा है तीनों घरों के लिए सम्मिलित रूप से समान दूरी पर एक कुआं होना चाहिए। मतलब कुआं कहाँ खोदा जाए जब इनके तीनों के बीच की दूरी यह बराबर नहीं है, तो इसके अंतः केंद्र में बनने का कोई चांसेज नहीं है, क्योंकि तीनों एक सीधी रेखा में नहीं है। और दूसरी बात कि तीनों की दूरी समान नहीं है, इसलिए जब भी इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है तो तीनों ए बी बी सी और सी ए का लंबार्धक कर लेते हैं। जैसे ही हम लंबार्धक करेंगे एक रेखा यहाँ से जाएगी, एक रेखा कहीं यहाँ से जाएगी, और इसका अर्धक करेंगी तो एक रेखा आपका यहां से जाएगी। ये लंबार्धक रेखाएं ए बी बी सी और सी ए का बनेगा। ए बी का लंबार्धक रेखा यह है, यानी इस रेखा का अर्धक किया गया, बीसी का अर्धक यहाँ किया गया, एसी का अर्धक ये कर दिया गया। तीनों पॉइंट जा कर की बिंदुओं पर मिल गए। ये जो केंद्र बना है यह बाहर बना हुआ है, इसलिए कहेंगे कि तीनों घरों से जो कुआं खोदा जाना चाहिए समान दूरी पर, यदि यहाँ से हम कोई एक एरिया यानी रेडियस लेकर के अगर हम वृत्त ऐसे खींचते हैं तो तीनों को टच करता हुआ ऐसे घूमेगा, इसलिए यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा परिकेंद्र पर। परि माने बाहर होता है, परिकेंद्र पर कुआं खोदा जाना चाहिए, क्योंकि इस त्रिभुज का परिकेंद्र पर ही समान दूरी बनेगा। ये क्वेश्चन रेलवे में 2001 में आया हुआ था। अब आपको इस क्वेश्चन में सिर्फ ये देखना, तीनों समान पंक्ति में, तीनों मकान एक रेखा में नहीं है और तीनों से सम्मिलित रूप में समान दूरी पर खोदा जाना चाहिए। ये देखा जा रहा कि तीनों घर यदि समान दूरी पर होते तो अंतः केंद्र में कुआं खोदा जाता, अगर तीनों के बीच की दूरी बराबर नहीं है तो परिकेंद्र पर आंसर आपको लगा देना है। तीसरा क्वेश्चन ये कह रहा है दस मीटर और 15 मीटर के दो खंभे किसी मैदान में खड़े हैं। यहां एक खंभा 10 मीटर का है और एक 15 मीटर का खंभा ऐसे दिया हुआ है, क्योंकि कोई भी खंभा जमीन से गड़ा हुआ होता है और सीधा खड़ा रहता है। तो यहाँ ए बी
सी और डी। यह 10 मीटर का खंभा है और ये जो दिया है 15 मीटर का खंभा है। ध्यान दीजिए, और यहां पे ऐसे सीधे आप मिला दीजिए। इसमें दूसरा कंडीशन ये कह रहा है कि यदि उनके आधार के बीच की दूरी यानी खंभे की बीच की दूरी नापी गई है तो ये 12 मीटर दिया हुआ है। तो ये टोटल 15 है, यह 12 हो गया, तो यहां भी क्या हो गया, 12 मीटर हो गया। यह 10 मीटर है तो यहां से यहां तक की दूरी 10 मीटर हो गई और इसकी दूरी जो बच गई वह 5 मीटर हो गई। अब हमारे पास दो चीजें मिल गया है और सीधा खंभा खड़ा होता है इसलिए 90 डिग्री का कोण बन गया। अब यह समकोण त्रिभुज बन गया आपका और यहाँ पे एक बिंदु ई रख लीजिए इस तरीके से। अब ट्रायंगल ट्रायंगल ए डी ई या ट्रायंगल डी ई ई से देखेंगे हम कि ए बराबर जो दिया हुआ है वह 12 मीटर है और डी ई जो दिया हुआ है वह आपका 5 मीटर है। ये कह रहा है कि उनके शीर्ष के बीच की दूरी इसे ज्ञात करना है। समकोण त्रिभुज में होता है क्या, दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग जो होता है बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। तो यहाँ पे जब एडी हमें ज्ञात करना होगा तो एडी को हम दिखाएंगे, एडी इक्वल हो जाएगा अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस डी ई का स्क्वायर। अब यहाँ पे एडी जो शीर्ष है या इसकी लंबाई निकल जाएगी, ए जो दिया हुआ है वह 12 मीटर है, 12 का वर्ग हो जाएगा या 5 का वर्ग हो जाएगा। इसको हल कर देंगे तो 144 हो गया और 25 हो गया, दोनों को जोड़ दिया गया 169 हो गया। इसका रूट अगर हम तोड़ देते हैं तो यहाँ पर आपका 13 मीटर आ जाएगा। इस तरीके से हम आसानी से देख लेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 मीटर 15 मीटर के दो खंभे हैं, सीधे खड़े होते हैं, 10 10 पर बराबर हो जाएगा, ऊपर का ये 5 बच गया, आधार 12 दिया है तो यहाँ भी 12 होगा, दो भुजा हमारे सामने प्राप्त है। तीसरी भुजा को ज्ञात करना है। आप देखते देखते क्वेश्चन को फौरन कॉपी पर थोड़ा सा ऐसे करके ट्रिक कर देंगे, सीधा ऐसे बन जाएगा। देख रहे हैं समकोण बन रहा है, ये 12 हो गया, ये 5 हो गया, 10 10 इधर निकल गया, 5 और 12 का स्क्वायर करके रूट निकाल देंगे, 13 मीटर आ जाएगा। आसानी से आप विकल्प का चयन करके कम समय में आप जवाब दे सकते हैं। और यह क्वेश्चन रेलवे में 2004 में पूछा गया था। क्वेश्चन का जो प्रारूप होता है कई तरीकों से होता है, किसी का एरिया निकालने के लिए होता है, किसी का दूरी पूछता है, किसी का केंद्र पूछता है। अब वह कंडीशन आपको ट्रायंगल पर आधारित सभी लगभग दिखाए जा रहे हैं, आपको ध्यान में रखना है कि एग्जाम के समय में क्वेश्चन आपके सामने आते आते ही आपको समझना होगा कि क्वेश्चन में हमसे क्या प्राप्त करना चाहता है। और जैसे ही इतना आप समझ जाएंगे आसानी से उसका आंसर दे देंगे। निसंदेह जो कुछ भी बताया गया है वीडियो में आपको पूर्णतः समझ में आ गया होगा। यदि किसी प्रकार का आपको डाउट है तो हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, जिसका पुनः हम समाधान देंगे। थैंक